start your new lecture of English A, class 7, unit number 9. Unit name is Sir Syed Ahmed Khan. Who is Sir Syed Ahmed Khan? Sir Syed Ahmed Khan is a Muslim hero of 19th century. Now I will start the next lesson, page number 101. Passage number, next. He was invited to attend the first session of the Indian Muslim Congress and to join the organization, but he refused to accept the offer. He was invited. Invited means davati. Yamato kiya. Attend means shirkat karna. First session, pehla ijlas. Indian National Congress, Bharati Congress. And join shirkat karna. Organization, tanzeem. Refused, inkar kiya. Accept, kabul kiya. Offer, peshkash. He was invited to attend the first session. उन्हें भारतीय नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास में शिरकत करने और तंजीम में शामिल होने की दावत दी गई. But he refused to accept the offer. लेकिन उन्होंने पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया. He also asked the Muslims to keep themselves away from the Congress and predicted that the party would prove to be a pure Hindu party in the times to come. उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का कहा. कीप देमसेल्व्स अवे, यानी वो खुद को अवे दूर रखे फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से. एंड प्रिडिक्टेड, और पेशीन गोई की, डेट के द पार्टी वुड बी, कि ये पार्टी वुड प्रूव साबित होगी टू बी अ प्योर खालिस हिंदू जमात पार्टी इन द टाइम्स टू कम, आने वाले वक्त में. उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का कहा और पेशीन गोई की कि आने वाले वक्त में ये खालिस हिंदू जमात साबित होगी. By establishing the Mohammedan Education Conference, he provided Muslims with a platform on which they could discuss their political problems. Mohammedan Education Conference को कायम करके किन्होंने कायम की थी? सर सईद अहमद खान ने. उसी की तरफ इशारा हो रहा है कि Mohammedan Education Conference को कायम करके उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया. प्रोवाइडेड मीन्स मुहैया करना. मुस्लिम्स मुसलमानों को विद द प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया. ऑन विच, जिस पर दे कुड, वो कर सकते थे डिस्कस तबादला ख्याल, देयर पॉलिटिकल, अपने सियासी मसाइल को. मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को कायम करके उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिस पर वो अपने सियासी मसाइल को तबादला ख्याल कर सकते थे. सर सईद इज नोन एज द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी इन द मॉडर्न इरा. मॉडर्न इरा मीन्स जदीद दौर. नॉन मशहूर फाउंडर बानी. सर सईद अहमद खान जदीद दौर में दो कमी नजरिए के बानी के तौर पर जाने जाते हैं या मशहूर हैं. नॉन का मतलब मशहूर भी होता है या जाने जाते हैं. सर सईद अहमद खान जदीद दौर में दो कमी नजरिए के बानी के तौर पर जाने जाते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ 1898 ही स्टार्टेड कीपिंग एबनॉर्मली क्वाइट. 1898 के आगाज में उन्होंने गैर मामूली तौर पर क्वाइट, खामोश कीपिंग रहना शुरू सदा शुरू कर दिया. 1898 में उन्होंने गैर मामूली तौर पर खामोश रहना शुरू कर दिया. फॉर आवर्स, कई घंटों तक ही वुड नॉट अटर, वो कोई लफ्ज़ ही वुड नॉट, वो बिल्कुल भी अटर ना बोलते आवर्ड, एक लफ्ज़ टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, हु विजिटेड हिम, जो उनसे मुलाकात करने आते. विजिटेड, मुलाकात करने. मेडिकल एड प्रोवाइडेड इन अफेक्टिव. तिब्बी इमदाद प्रूव साबित हुई गैर मौसर. His condition became critical on 24th of March. उनकी हालत 24 मार्च को खराब हो गई, critical खराब. On the evening of 27th March, a severe headache further worsened it. Students, ये देखें, worsened जो है ना, ये verb की second form है. और ये आगे ED लगा हुआ है, तो it means ये regular verb है. 27 मार्च की सुबह को a severe कहते हैं, शदीद headache, सरदर्द को कहते हैं. 27 मार्च की सुबह को एक शदीद सरदर्द ने उनकी हालत मजीद बिगाड़ दी या खराब कर दी. परसेंट, खराब करना या बिगाड़ देना. ही एक्सपायर्ड द सेम इवनिंग. वो इसी इवनिंग शाम को एक्सपायर्ड इंतकाल कर गए. इन द हाउस ऑफ हाजी इस्माइल खान के घर में. वेयर ही हैड बीन शिफ्टेड 10 to 12 days, जहाँ उन्हें 10 से 12 दिन पहले मुंतकिल किया गया था. शिफ्टेड, मुंतकिल करना, अर्लियर, पहले. ही वॉज बरेड, वो दफनाए गए द फॉलोइंग आफ्टरनून इन द कंपाउंड ऑफ द मस्जिद ऑफ अलीगढ़ कॉलेज. उनको अलीगढ़ कॉलेज की मस्जिद के सहन में इसी दोपहर के बाद दफनाया गया. फॉलोइंग आफ्टरनून, दोपहर के बाद. कंपाउंड मीन सहन. अलीगढ़ कॉलेज के सहन में
दोपहर के बाद दफनाया गया। ही वॉज मॉर्न और ताजियत किए गए बाय द लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स कसीर तादाद में दोस्तों और एडमायरर्स मदाहों की बहुत दोनों की विद इन एंड आउटसाइड द साउथ एशिया। उन्हें साउथ जनूबी एशिया के अंदर और बाहर दोस्तों और मदाहों की कसीर तादाद के जरिए उनकी ताजियत की गई। मॉर्न मीन्स ताजियत करना। ताजियत का क्या मतलब होता है? जब कोई फौत हो जाता है ना तो अफसोस करने को कहते हैं ताजियत करना। एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन पेज नंबर 102। स्टूडेंट्स, इसके जो आंसर क्वेश्चन है कम्प्रीहेंशन ये आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको करवा चुकी हूँ ट्रांसलेशन, उसे रीड करें और अच्छे तरीके से इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज में हाउ वाज बोर्न इन, शुरू में आपने क्या पढ़ा था, कहाँ बोर्न, कब बोर्न हुए थे? वो बोर्न हुए थे 17 अक्टूबर 1817, ये आपने स्टार्ट में पढ़ा है। दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली में। यस, दिल्ली आपको पता है कहाँ पे है? इंडिया का एक शहर है, वहीं पे अलीगढ़ मूवमेंट भी बनाई गई थी। अलीगढ़ कॉलेज आज भी वहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सर सईद अहमद खान की कब्र भी मौजूद है वहाँ पे। डैश वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज प्राइवेट ट्यूटर, उनके पहले प्राइवेट ट्यूटर का नाम क्या था? मौलवी हमीदुद्दीन। यहाँ पे सेकंड ब्लैंक पे वही आएगा, मौलवी हमीदुद्दीन। थर्ड वन इज सर सईद अहमद खान्स फादर डाइड इन 1838। थर्ड ब्लैंक पे आएगा 1838। नंबर फोर, सर सईद ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज हिज अलीगढ़ मूवमेंट। नंबर फाइव, सर सईद अहमद खान डाइड इन 1898। यहाँ आएगा फिफ्थ ब्लैंक पे 1898। नंबर सिक्स, सर सईद अहमद खान वॉज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर एंड स्टेट्समैन ऑफ 19th सेंचुरी। वेन सर सईद वॉज पोस्टेड एट अलीगढ़ इन 1817 ही स्टार्टेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल। इस ब्लैंक पे ये आएगा। नंबर एट, द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज गिवन टू द कॉलेज आफ्टर डेथ ऑफ सर सैद इन 1920। नंबर नाइन, द नेम ऑफ सर सैद अहमद खान्स प्राइवेट ट्यूटर वॉज मौलवी हमीदुद्दीन। नंबर टेन, द डेथ ऑफ सर सैद अहमद खान्स फादर इन 1838 लेफ्ट द फैमिली इन डिफिकल्टीज। स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी पेज नंबर 102। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपने टिक करना है और क्रॉस करना है। सर सैद अहमद खान इज नोन एज द ग्रेट पॉइंट, यहाँ पे आएगा फॉल्स। एट द एज ऑफ 18 और 19 हिज फॉर्मल एजुकेशन केम टू एन एंड, ट्रू। सर सैद अहमद खान रिसीव्ड हिज एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम, ट्रू। बाय एस्टैब्लिशिंग द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ही प्रोवाइडेड मुस्लिम्स विद अ प्लेटफॉर्म टू देयर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ट्रू। सर सैद अहमद मदर नेवर टुक इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ हर सन, यहाँ पे आएगा फॉल्स। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट द एमसीक्यू पेज नंबर 103 पार्ट बी। हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, यहाँ आएगा सर सैद अहमद खान। थर्ड ऑप्शन इज राइट। सेकंड वन, हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट, ये भी आएगा सर सैद अहमद खान। पहला, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। थर्ड वन, द सर सैद अहमद खान वॉज रोट द पैम्फलेट, उन्होंने कौन सा पैम्फलेट लिखा था? कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फोर्थ वन, टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम एंड ब्रिटिश, सर सैद रोट द पैम्फलेट लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नंबर फाइव, सर सैद अहमद खान वॉज नोन एज ग्रेट रिफॉर्मर, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नंबर सिक्स, इन पाकिस्तान ही इज रिगार्डेड एज द आइडियोलॉजिकल फाउंडर ऑफ द स्टेट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नंबर सेवन, सर सैद अहमद खान प्रमोटेड उर्दू लैंग्वेज, वेन सर सैद, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नंबर एट, वेन सर सैद वॉज बॉर्न, कब पैदा हुए थे? 17 अक्टूबर 1817, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नंबर नाइन, ही एस्टैब्लिश गुलशन स्कूल एट मुरादाबाद, कब हुआ था? 1859, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। इन विच ईयर सर सैद एस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी? 1864, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नंबर इलेवन, इन विच ईयर सर सैद एस्टैब्लिश मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इधर आएगा 1886, थर्ड ऑप्शन इज राइट। इन विच ईयर सर सैद फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल, स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड ऑप्शन है ना इसको 1867 कर लें, ये राइट है। ये बीच में थोड़ी सी मिस्टेक है, 1867 लिख लें और इस पर टिक कर दें।